जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके परिवार पर भी बनी रहे, आप पर व आपके परिवार पर। आज मेरा वॉइस वीडियो है। आज मैं आपको दुर्गा नवरात्र की कथा सुनाऊंगी। तो उसके लिए आप एक लोटा जल का भर के रखिए, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को सुनिए और बीच बीच में उकारे भरिए। तो कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत आसुनी माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत विधि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी का वास होता है। माँ वैष्णो देवी सभी को अच्छा वर देती है। इस व्रत को करने से मन शांत रहता है। इन नवरात्रों में 9 दिनों में 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी 9 देवियाँ माँ शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचरणी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ और सिद्धिदात्री माँ का व्रत प्राप्त होता है। यदि दिन व्रत का व्रत न कर सके, यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, उस दिन बांधो सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, पहले जिसने इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अति सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर में बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पड़ती है। इस प्रकार से उसका पिता प्रतिदिन पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार से कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी कुष्ठी अथवा किसी के साथ भी जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मणी को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे रहकर ही क्या करती हैं।
इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ भयावने वन को चले गई और उन्होंने उस भयावने कुचायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर बहुत ही पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, ये सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार से दुर्गा की कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोड को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोड को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोड से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्राकर्मी वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रही तबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। माजी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदाले नाम का अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान जितेंद्र पुत्र तुझे शीघ्र ही हो गए। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती के वचन सुनकर सुमति बोले कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि के करने से नवरात्र विधि करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूट कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आसुनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और उसको वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बीम, नारियल, दाग तथा कदम इनसे हवन करें। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राजसमान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, सहज, जौ, तिल, बीम,
तथा फलों के होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को बताई हुई पहली विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोज सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि 9 दिनों में कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से असमेक यज्ञ का फल मिलता है। तो हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह अंत में सुख इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत विधि को